किसान साथियों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल में। किसान साथियों, उत्तर भारत में 25 जून के बाद और जुलाई के पहले और दूसरे हफ्ते में या पूरे जुलाई के महीने में हम अमरूद के पौधे लगाते हैं। पिछले दो साल से मैं देख रहा हूँ कि 15 से 20 जून तक मानसून पूर्व की बड़ी अच्छी बारिश होती है और उसके बाद अगर आप पौधे लगाते हैं तो 25 से 30 जून तक पूरी बरसात शुरू हो जाती है और मुझे ये पौधे लगाने के लिए बहुत ही उचित समय लगता है। जो भी किसान भाई इस वर्ष अमरूद के पौधे लगाने की सोच रहे हैं वो अपनी तैयारी शुरू कर दें, यानी खेत की अच्छी तरह गहरी जुताई कर लें, खेत को समतल बना लें और खेत में गड्ढे का कार्य शुरू कर दें। किसान साथियों, अभी आपने देखा था कि हमने नींबू की बागवानी के लिए पौधे उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया था। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत किसानों ने इस सुविधा का लाभ उठाया और अपने पौधे बुक कराए। इसी संदर्भ में मुझे बहुत किसानों ने लिखा कि त्यागी जी, क्या आप अमरूद के अच्छे पौधे भी उपलब्ध करा सकते हैं। ये बताना चाहता हूँ कि मैंने पौधे कहाँ से लिए थे और पिछले साल बहुत किसानों को भी दिलाए थे, लेकिन एक समस्या आई थी कि जिन किसानों को 100 या 150 पौधे चाहिए उनको पौधे किस प्रकार दिलाएं। किसान साथियों, मैंने पिछले दो वर्ष में काफ़ी मार्केट सर्वे करने के बाद में, काफ़ी विचार विमर्श के बाद में मैंने दो नर्सरी सेलेक्ट की है। एक नर्सरी है जयश्री बाग एवं नर्सरी, जो जिला बनारस में है, और दूसरी नर्सरी है जिसे आप सभी जानते होंगे कि आपने नींबू के पौधे बुक कराए हैं, ये है जय हिंद नर्सरी भिवाड़ी में। किसान साथियों, पिछले वर्ष मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये बताने की कोशिश की थी कि पौधे कहाँ से लें, तो आज मैं आपसे इन दोनों नर्सरियों के बारे में साझा करता हूँ और जो भी किसान भाई अमरूद के पौधे लेना चाहते हैं वो हमसे पौधे बुक करा सकते हैं। बुक कराने की प्रक्रिया मैं बताऊंगा, लेकिन आइए पहले इन नर्सरी के बारे में जान लेते हैं। पहली नर्सरी है वो है जयश्री बाग एवं नर्सरी। जयश्री बाग एवं नर्सरी की स्थापना श्री शैलेंद्र सिंह रघुवंशी और उनके भाई सौरभ रघुवंशी ने 2007 में शुरू की थी। इन्होंने CIESH लखनऊ से, जो कि अमरूद के बारे में अनुसंधान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, उन्होंने वहाँ से ललित L49 सफ़ेदा और श्वेता के पौधे लाकर अपने 12 एकड़ के फार्म में लगाए। किसान साथियों, 4 साल ये पौधे पालने के बाद में इन्होंने 2011 में एक नर्सरी शुरू की जिसका नाम रखा जयश्री बाग एवं नर्सरी। ये नर्सरी ग्राम व पोस्ट बबियाँ है और ब्लॉक चोला पड़ता है और ज़िला वाराणसी है। आप चाहें तो इनकी नर्सरी में एक बार अवश्य जाएं और अपनी आँखों से देखें कि किस प्रकार अच्छी क्वालिटी के पौधे तैयार होते हैं। किसान साथियों, 2011 में जो इन्होंने इसकी नर्सरी शुरू की उस समय इन्होंने पंत प्रकाश, धवल, VNR बिही, थाई 1 KG, जी विलास, ग्वालियर 27, संगम और लालिमा जैसे पौधे भी इन्होंने लगाए। इसके बाद इन्होंने नर्सरी की शुरुआत की और 5000 स्क्वायर मीटर में अपना जो प्रथम नेट हाउस है वो लगाया और 1000 स्क्वायर मीटर में इन्होंने पॉली हाउस लगाया। किसान साथियों, मैंने जो पहली मेरी वीडियो थी, जो आप ऊपर भी देख रहे होंगे इन्फॉर्मेशन बॉक्स में, इसका नाम आ रहा है कि पौधे कहाँ से लें, उसमें मैंने बताया था कि अमरूद में वी ग्राफ्टिंग के पौधे, जिसे हम वेज ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं, उसके पौधे उत्तम होते हैं। शैलेंद्र सिंह जी जो अपनी ये नर्सरी है इसमें वी ग्राफ्टिंग के पौधे तैयार करते हैं। वी ग्राफ्टिंग के पौधे जो अनारची ग्राफ्टिंग होती है उससे थोड़े महंगे होते हैं, क्योंकि वी ग्राफ्टिंग में जो सक्सेस रेट है वो लगभग 70% होता है।
अर्थात अगर आप 100 पौधे तैयार करते हैं तो आपको 70 पौधे ही सही मिल पाते हैं। किसान साथियों, जो शैलेंद्र सिंह रघुवंशी हैं, उनके इस योगदान के लिए और जो उन्होंने इसमें अपना जो कार्य किया उसके लिए इन्हें कई बार पुरस्कृत भी किया गया, जिसमें से एक मुख्य पुरस्कार है जो 2011 में इनको मिला था, वो मुंबई में मिला था। एक संस्था है ASPEE, उसमें LM पटेल फार्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो हॉर्टिकल्चर कैटेगरी है गुआवा की, उसमें इनको मिला था 2011 में मुंबई में। किसान साथियों, 2018 में इनकी नर्सरी को नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, जो जिसका मुख्यालय गुड़गांव में है, उन्होंने इनको प्रमाण पत्र भी दिया था। और इनको प्रमाण पत्र इन वैरायटी के लिए दिया था जो मैं आपको बता रहा हूँ, ललित, श्वेता, इलाहाबादी सफ़ेदा, धवल, लखनऊ 49 जिसे L49 भी बोलते हैं, VNR, थाई पिंक, लालिमा, संजीवनी, एप्पल बेर और बेल के लिए। किसान साथियों, इनमें से अधिकतर वैरायटी मैंने पिछले साल मंगाई और अपने फार्म में लगाई। जो किसान भाई मेरे फार्म के आसपास रहते हैं वो ये देख सकते हैं, और मुझे इस बात का गर्व महसूस होता है कि मेरा एक भी पौधा, जो मैंने जितने पौधे लगाए थे, एक भी पौधा मेरा ख़राब नहीं हुआ और सब के सब सक्सेस हुए, जबकि मैंने प्रत्येक वैरायटी के 4-5 पौधे एक्स्ट्रा मंगाए थे। किसान साथियों, मुझे बहुत फ़ोन आते हैं और बहुत किसान कहते हैं कि त्यागी जी हमें भी नर्सरी दीजिए। तो मैंने आपके लिए एक प्रबंध किया है, जो भाई जयश्री बाग एंड नर्सरी के पौधे चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के वी ग्राफ्टिंग के पौधे चाहते हैं, वो निश्चिंत रहें कि वो मुझे ऑर्डर दे सकते हैं। इसको ऑर्डर देने के लिए आपको इसके मूल्य का, जो भी पौधों का मूल्य होगा, उसका 50% आपको एडवांस देना होगा। ये पौधे आपको लगभग 20 जून से मिलना शुरू हो जाएंगे। किसान साथियों, जो किसान भाई बनारस के आसपास के हैं या उधर के हैं, वो सीधे शैलेंद्र सिंह रघुवंशी जी से, जो मैंने फ़ोन नंबर दिए हैं, उन पर बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई दुविधा हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं और आपका मैसेज मैं उनको पास कर दूंगा और वे देख आपको कॉन्टेक्ट करेंगे और पौधे देंगे। किसान साथियों, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि शैलेंद्र सिंह जी की जो ये जयश्री बाग नर्सरी है, ये उत्तर प्रदेश सरकार से भी मान्यता प्राप्त है। और जो किसान मेरे यहाँ से या उनके यहाँ से पौधे खरीदेंगे, उन्हें जयश्री बाग एंड नर्सरी का पक्का बिल मिलेगा, और उस बिल के आधार पर प्रति अमरूद के पौधे पर लगभग 29 रुपये सब्सिडी के लिए आप अपने जिला उद्यान अधिकारी के यहाँ आवेदन दे सकते हैं और आपको वो सब्सिडी भी मिलेगी। लेकिन ये सब्सिडी केवल उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए है। अगर कोई दूसरे किसान हैं, दूसरे प्रदेश के हैं, तो वो अपने यहाँ पता कर सकते हैं, क्योंकि हम इसका पक्का बिल देंगे। किसान साथियों, दूसरी नर्सरी है जय हिंद नर्सरी। जय हिंद नर्सरी को मैंने काफ़ी दिनों से चेज किया था और मैंने उनको बताया था कि आप थोड़ा ईमानदारी से आप नई नर्सरी शुरू करें। इन्होंने 2018 में नर्सरी शुरू की थी और इनको लेकर मैं नागपुर और अकोला गया था और वहाँ बात कर इस चीज़ की व्यवस्था कराई थी कि यहाँ से सब किसानों के आवेदन इकट्ठे कर हम एक साथ पौधे ले आएँ और उसमें ट्रांसपोर्टेशन और जो इनका बेनिफिट हो उसे मिलाकर आपको दो जगह से अच्छे पौधे दिला दें। किसान साथियों, बहुत लोगों ने बुक कराया है और मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आपने हम पर विश्वास किया, और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी नहीं होगी और आपको जो कहा गया है वही पौधे मिलेंगे, उसी जगह के पौधे मिलेंगे जो भी बताया गया था, इस बात से निश्चित रहिए, इसका मैं विश्वास दिलाता हूँ। किसान साथियों, चूंकि जय हिंद नर्सरी एक नई नर्सरी है, एक कुमार यादव जी जो इसके प्रोपराइटर हैं, उन्होंने 2018 में शुरू की, लगभग 3 एकड़ में इनकी नर्सरी है। किसान साथियों, इनके यहाँ पौधे जो अमरूद के हैं वो निम्न
प्रजातियों के पौधे मिलते हैं। पहला है ये ताइवान पिंक लाते हैं, जो आपके आंध्र प्रदेश में होता है, वहाँ से लाने के बाद में जो क्लोन वाला पौधा है उसे वेलम प्राइम और कार्बोफुरान आदि से इसको ट्रीट करते हैं। चूँकि जो ये क्लोन वाले पौधे हैं इनमें एक नीमाटोड की बहुत प्रॉब्लम आती है, हालांकि नर्सरी वाले भी कहते हैं कि हम ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन ये एक विशेष रूप से उसका ट्रीटमेंट करते हैं ताकि इसमें नीमाटोड ना आए। और इन्होंने अपनी एक चैनल भी चलाया हुआ है जय हिंद नर्सरी का, आप उसमें देख सकते हैं कि नीमाटोड का किस प्रकार इलाज किया है। और इन्होंने ये दिखाया है कि वेलम प्राइम से इलाज करने पर इसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। अगर आप सही प्रकार इलाज करते हैं वेलम प्राइम से तो आपके पौधों से नीमाटोड खत्म हो सकता है, आप इनकी वीडियो देख सकते हैं। किसान साथियों, दूसरी प्रजाति है ये अभी एक बहुत अच्छी जो मदर प्लांट है हिसार सफ़ेदा के और जो हिसार सुरखा है उससे लाकर अपने यहाँ ग्राफ्टिंग करते हैं। हालांकि ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनकी नर्सरी अभी अप्रूव्ड नहीं है, अच्छे पौधे मिलना एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि इन तीन प्रजाति के लिए आप इन पर विश्वास कर सकते हैं। जो चौथी प्रजाति है इनके पास में वो जयश्री बाग नर्सरी से ही ये लाते हैं L49, वो भी इनके यहाँ मिलता है, जिसे ये फर्दर अपने आप भी ट्रीटमेंट करते हैं। तो किसान साथियों, अगर आप इन चार वैरायटी में से हिसार सफ़ेदा, हिसार सुरखा जो कि इनके पास लिमिटेड मात्रा में है, और ताइवान पिंक जो क्लोन वाला है, और L49 इनके पास काफ़ी है, इसे आप इनके यहाँ से, जो किसान भाई इनके आसपास रहते हैं इनके यहाँ से ले सकते हैं। तो किसान साथियों, आज मैंने आपको अमरूद की नर्सरी के बारे में बताया है। जिन किसान भाइयों को विश्वास हो हम पर वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप सीधे उनसे पौधे ले सकते हैं जयश्री बाग नर्सरी से, उनसे ले सकते हैं, या आप जय हिंद नर्सरी से संपर्क कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। किसान साथियों, आपको यहाँ पर एक बात का बहुत ध्यान रखना होगा। जो बातें मैं बताता हूँ, क्या कोई नर्सरी वाला जिसके पास आप पौधे लेने जाते हैं ये बातें बताता है? वो कभी भी ये बात नहीं बताते कि हम पौधे कहाँ से लाते हैं। किसान साथियों, जो आपने मुझ पर विश्वास किया है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये आपका विश्वास कायम रहेगा, और जो मैं कहूँगा मैं उसी पर पूरा करूँगा, उसको जो मैंने वादा किया है मैं उस वादे को पूरा करूँगा। मैंने ये काम शुरू करने से पहले मुझे नर्सरी नहीं बनानी है और नहीं मैं करना चाहता इस काम को, लेकिन बहुत किसान ऐसे हैं जिनको 100 पौधे चाहिए, 150 पौधे चाहिए, वो बनारस नहीं जा सकते, तो मैं पौधे लाकर इकट्ठे कर रख देता हूँ और यहाँ से सब लोग ले जाएंगे पौधे। किसान साथियों, कोई भी नर्सरी वाला ये नहीं बताता कि वो पौधे कहाँ से लाता है। मैंने जब पहली बार पौधे लगाए तो मुझे 1500 में से 600 पौधे मेरे ख़राब हुए। मुझे तब पता चला कि ग्राफ्टिंग की क्वालिटी क्या होती है, और ग्राफ्टिंग की मतलब कितनी ऊंचाई पर बंधनी चाहिए, किस प्रकार की ग्राफ्टिंग होनी चाहिए, बीजू पौधे कैसे होने चाहिए, और बीजू पौधों में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये सब मैंने अपनी वीडियो में पहले ही आप लोगों को बता दिया है। तो किसान साथियों, जो भी किसान भाई अमरूद के पौधे चाहते हैं, जो मैंने वैरायटी बताई हैं, वे विश्वास कर अपने पौधे बुक करा सकते हैं। और 20 जून से मुझे उम्मीद है लॉकडाउन काफ़ी खुल जाएगा, आवागमन जो पौधों का शुरू हो जाएगा, और 20 जून से आपको पौधे मेरे फार्म से मिलने शुरू हो जाएंगे। जयसरी नर्सरी से आप कभी भी ले सकते हैं, भिवाड़ी में अनिल जी की नर्सरी से आप कभी भी जाकर ले सकते हैं, ये इच्छा आपकी है। तो किसान साथियों, ये था हमारा अमरूद की उत्तम क्वालिटी के पौधों के बारे में वीडियो। आपको कैसा लगा मेरे साथ साझा कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे भारत।